जो बच्चे यूपी पुलिस 2024 के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर होने वाला है खास, क्योंकि ये पेपर भी 2024 में हुआ, 17 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो क्योंकि 2024 में जो भर्ती चल रही है उसी का ये पेपर है और उसी का होना है री एग्जाम, तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को अगर आप करके जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और ये जो है हमने बिल्कुल पेपर ही उठाया है, किसी प्रैक्टिस सेट से नहीं उठाया है, बिल्कुल आपको दिखा देंगे, ये पेपर ही हमने उठाया है। और इस पेपर में क्या है कि बच्चे का पेपर है तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर पर निशान लगे हुए हैं, तो वे सही हैं या गलत हैं उसको आप नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की बात करेंगे, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और कमेंट करेंगे। और यहाँ पर हम आपको हर क्वेश्चन का हल बिल्कुल सही और आसान तरीके से करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो 17 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ उसके सभी मैथ के क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और करते हैं 17 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आए उनकी बात। क्वेश्चन नंबर 96 जो है पहला क्वेश्चन है मैथ का, क्या है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 है और एलसीएम 138 है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्या ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल दो जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। देखो उसने कहा कि इसका एचसीएफ मतलब इसका जो है मैस है वो 15 है और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक जो है लेस है इसका 138 है, तो ऐसे कितने जोड़े बने, जोड़ों की बात कर रहा है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए, ये हमें बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। रात को नींद में भी तुम्हारे से कोई उठा के 12 बजे तुम सो रहे हो और पूछ ले हालांकि है कि ये जो बात है क्या कि लेस है हमेशा मैसे से विभक्त होता है, अगर इस बात को तुम्हारे से पूछ लिया जाए तुरंत बता देना चाहिए तुम्हें। तो ये नोट याद रख लो कि लेस है सदैव मैसे से ही विभक्त होता है, मैसे से विभक्त होता है। इसका मतलब ऐसा कोई जोड़ा तभी बनेगा जब लेसे मैसे से कट रहा होगा, अगर लेसे मैसे से कट ही नहीं रहा तो ऐसा कोई जोड़ा ही नहीं, ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं बनी कि उसका लेसे भी आ जाए और मैसे भी आ जाए लेकिन लेसे जो है वो मैसे से ना कटे। और 15 के पाड़े में कहीं 138 आता नहीं, 138 इसका मतलब 15 से कटता नहीं, और जब 138 15 से नहीं कटता तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि ऐसा कोई भी जोड़ा मौजूद नहीं है, ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है जो इस टाइप के संख्या बनाता हो कि जिसका लेस है तो 138 और मैस है 15। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें भाई, यदि 851 को 1/2 / 2/3 / 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग बता। 1/2 / 2/3 और 3/4, तो इनका लैसे लो, 2, 3 और 4 का लैसे लो, यो आ गया 12, यो आ गया 12 और यो भी आ गया 12, तो 2 6 12 और 3 4 12 और 4 3 12, तो आ गया 6/4 × 8 और 3 3 9। अब टोटल कितना हो गया, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 14 और 9 23, वही 8 और 9 17 और 6 23, 23 बराबर जो है वो किसके हैं 851 के हैं और पहला भाग सही है तो मतलब 6 बराबर पहले भाग का है। अब 23 से भाग कर दो, 851 को भाग कर दो 23 से, तो 23 3 69, 23 3 69 कितने बच गए, 15 में से 9 गए 6, जो 1 आ गया, जो 1 आ गया, तो 7 बार काट दो, 7 3 21, 2 7 2 14 और 2 16, तो ये पूरा जो कट रहा है वो 37 बार कट रहा। अगर हमें पहला भाग चाहिए तो हमें 37 की गुणा करनी पड़ेगी 6 में, तो 6 7 42, 4 और 36 18, 18 4 22, तो इसका जो पहला भाग होगा वो 222 होगा जो डी ओ। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें क्या है भाई, एक गांव में हैजे के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया,
फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या जितनी भी थी, कुल संख्या का 10% जो है वो हैजे कारण मर गए, तो बचे 90%। 90% का मतलब 90/100 हो गया, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगा, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगा। शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो 25% ने छोड़ दिया तो बचे 75%। 75% का मतलब 75/100, परसेंटेज हटाना तो बटे में यहां पे भी 100 लगा, और जो बचे वो 2025 बचे, जो बचे हैं वो 2025 बचे। 25 + 75, 25 × 100, 0 से 0 गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात करें, देखो 9 से काट दो, 9 × 2 = 18, 2 बचे 22 हो गए, 9 × 2 = 18, 4 बच गए, 9 × 5 = 45, 3 से काट दो, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। इसका मतलब कुल संख्या की अगर मैं बात करूँ, अगर टोटल संख्या देखूँ कि गांव में कितने लोग थे, तो 75 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे कि इसमें भैया 40, 75 गुणा मुझे करनी पड़ेगी 40, तो 75 × 150, 150 × 300, तो कुल मिला के ये हो जाएंगे भैया 3000। तो वहाँ पर गांव में जो थे टोटल कितने आदमी थे, 3000 थे। 99वां क्वेश्चन देखो जो इस पेपर में आया, गुणनफल 6812 गुणा 3528 गुणा 3189 गुणा 4324 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, तो बहुत ही मैं कहूँ आसान क्वेश्चन यहाँ पर फंसा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर 2-4 आ जावे हैं तो बच्चों के नंबर जो है अपने आप उछाला मार जावे, कोई दिक्कत ही नहीं आती इनमें। इनमें देखो पूरी संख्या की गुणा करने की जरूरत नहीं, इस 2 की 8 में गुणा करनी, फिर 9 में गुणा करनी और फिर 4 में गुणा करनी, बस इतना काम करना उत्तर आ जाए। 2 की 8 में गुणा करी 16 आया। अब जैसे 16 आया तो इसे 1 को छोड़ दो, अब इस 6 को लेकर बढ़वा गए, 6 निम हो गए 54। अब 54 का 5 छोड़ दो, 4 लेकर बढ़ो, 4 चौक हो गया 16, तो यो आ गया तुम्हारा 6, तो इकाई अंक आ गया तुम्हारा 6। या जैसे तुम इतना भी नहीं याद रहता तो तुम लास्ट वाला अंक पकड़ो, 2 × 8 × 7 × 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे अच्छा 9 है, 7 की बजाय हो 9 है, 9 है, ठीक है, 2 है, 8 है, 9 है और 4, तो 8 × 2 हो गया 16 और 9 चौक हो गया 36। अब देखो इसे हटाओ और इसे हटाओ, क्योंकि हमें तो लास्ट वाला अंक चाहिए, 6 संग हुआ 36, ठीक है, फिर इसे हटा दो तो क्या बचा, 6 बचेगा। तो इस तरह से भी कर सको, जो भी तुम्हें आसान लगे, जिस तरीके से भी तुम कर सकते हो, जो भी तुम्हें ऐसा लगे कि वो बहुत आसान हुआ, पहले वाला आसान हुआ तो पहला तरीका सही है, दूसरे वाला आसान हुआ तो दूसरा तरीका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें हम, क्या है भाई, सरल करना है। सरल करना है किसे, 4/12 गुणा 3/2 भाग 4/8 -12 और +4। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 4/12 गुणा 3/2 और भाग को पहले हल करेंगे, तो भाग को अगर हम गुणा में लाओगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा 8/4, बाकी कुछ नहीं करा हमने, 4 से 4 गया, 3 चौक 12 हुए और 4 × 2 = 8 हुए और 2 से 2 गया, तो कुल मिला के यहाँ बच गया 1। 1 − 12 + 4, ठीक है भाई, 4 और 1 = 5, 12 में से जो है 5 गए, तो माइनस के 7 जो है इसका उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 101 देखो, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 101 देखो ये भी बहुत ही आसान है। उसने कहा 0.3 गुणा 0.04 गुणा 0.003 और गुणा 400 को हल करना, गुणा 400 को हल करना। तो पहला काम क्या करेंगे हम, जो पॉइंट हटता होगा उसे हटा देंगे। अब 2 0 दो पॉइंट को हटा देंगे तो ये हट गया। अब यहाँ सीधा सीधा गुणा करो, 3 चौक 12 और 12 की गुणा करो 3 में, 12 + 36 और 36 चौका 144,
144। ठीक है भाई, ऐसा करो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 12 का वर्ग 144। ठीक है जी, अब दूसरा क्या देखना, दशमलव के बाद के अंकों की संख्या देखनी। अब दशमलव यहां है और दशमलव यहां, दशमलव यहां है और दशमलव यहां है, यहां दशमलव नहीं रहा, अब यहां जीरो नहीं रहा, तो यहां दशमलव के बाद 1 अंक है और यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो टोटल मेरे पास दशमलव के बाद होने चाहिए 4 अंक। टोटल मेरे पास 4 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 अंक होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 और चौथा अंक बढ़ाने के लिए 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा और ये 0 लगा दो, उत्तर आ गया तुम्हारा बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम बताना है। हमें बताना छठा परिणाम, हमें क्या बताना, छठा परिणाम बताना। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, पहले 6 का औसत जो है 51 है, तो पहले 6 का योग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 की गुणा 51 में करनी पड़ेगी। अंतिम 6 का औसत जो 59 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 की गुणा 59 में करके मैं क्या करूंगा, लास्ट के 6 का योग निकाल दूंगा। अब 11 का दे रखा 50, तो माइनस करना पड़ेगा 11 गुणा 50। ठीक, अब यहां पर क्या कर सके हम, 6 कॉमन ले सके, 51 और 59 को जोड़ सके, 51 और 59 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 110। भाई 9 और 1 10 ये तो 60 बना दो, और ये 50 तो 110 हो गया, और ये हो गया 11 5 55, ये 550 हो गया, और 11 6 66 ये 660 हो गया। अब 660 में से 550 घटा दो तो 110 जो है वो तुम्हारा उत्तर आ गया। बड़ा ही आसान सा यो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 103 2024 में ही पेपर हुआ यो फरवरी में, और देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन इसने पूछ रखे, इतने आसान क्वेश्चन अगर मैथ के आ रहे हैं और फिर भी हम ना कर पाए तो लानत है हमारे पे मैथ पढ़ने के लिए। इतने आसान क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि पेपर में अगर आ रहे हो और बच्चा कोई छोड़ कर आ गए, जितने क्वेश्चन आवे सारे के सारे ठीक होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 देखें, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दीप्तेश जो प्रारंभ करते हुए वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दीप्तेश और तुषार ने काम जो करा वो 9 और 12 दिन में कर सकते हैं अकेले अकेले, तो लघुत्तम लेंगे 9 और 12 का, लघुत्तम आ गया 36, 9 चौक 36 और 12 3 36, इसका मतलब क्या है कि दीप्तेश एक दिन में 4 काम कर सके और तुषार एक दिन में 3 काम कर सके, और काम करने टोटल 36, लेकिन काम करेंगे पहले दिन दीप्तेश करेगा तो दूसरे दिन जो है तुषार करेगा, पहले दिन 4 काम होंगे दूसरे दिन 3 काम, इसका मतलब 2 दिन में काम होंगे 7। अब ऐसे लिख सको तुम इसे, ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते चले जाओ, और यहाँ पर 4 3 4 3 4 3 4 3 और 4 3 ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर छोटी बात है, बड़ी बात है तो हमने भाग वाला तरीका कई पेपर में बताया था, 4 और 3 7 7 और 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 यहाँ हो जाएंगे 42 काम, हमें कितने करने, 36 काम। दोबारा देखो, 7 और 7 14 7 21 7 4 28 7 5 35 यही है निशान लगा, 35 काम हो गए। अब यहाँ पे 10 दिन तो काम हुआ पूरा, ठीक है, 10 दिन तो काम हुआ पूरा। अब 11वें दिन जो काम बचेगा, 11वें दिन जो बचेगा काम वो कितना बचेगा भाई, 1 काम बच रहा, नंबर किसका आया, दीप्तेश का, तो बटे में 4 लगा देंगे, तो 10 चौक 40 और 41 बटे 4 भी हम इसे लिख सकें, या 10 से ही 1/4 दिन भी इसे हम लिख सकें, जो भी तुम्हें सही लगे, जो भी पेपर वाला कह रहा वो लिख सकते हो। तो उसने 41/4 लिख रखा डी ऑप्शन में, तो वो लगाऊंगे हम सही। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ वाला क्वेश्चन हो अगर इस टाइप का, तो जितने का लाभ हो रहा वो ऊपर लिखो, जितने बेच रहा उसमें से ही माइनस करना, तो मैं टोटल में से
जितना लाभ हो रहा वो माइनस करना, हानि वाले क्वेश्चन में वो ऐड करना। तो 33 में से 11 घटाना, 33 में से 11 घटाए 22 आया और गुणा कर दो 100। 11 दुनी 22 और 2 से काट दिया 100 50 बार, तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो 50% होगा। सपोज करो ये हानि का क्वेश्चन होता, दोनों चीज बता के चल रहा, अगर ये हानि का क्वेश्चन होता तो 11 बटे 33 में 11 जुड़ता, 33 में 11 जुड़ता बटे होता 44 और गुणा होता 100 जुका तो 11 चौक 44 और 4 से हम 100 काटते तो 25 उत्तर था। हानि वाला क्वेश्चन होता तो ये संख्या सेम होती अगर, तो हानि वाले क्वेश्चन में 25% उत्तर, लाभ वाले में 50% उत्तर आ ही रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर आया 105, क्वेश्चन नंबर आया 105 क्या कह रहा भाई, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। राशि ज्ञात करनी है, मूलधन हमें एक तरह से ज्ञात करना। तो तुम ये मानो कि दर हमारी 2% है, समय 3 साल है और ब्याज हमारा 420 है, ठीक है। ब्याज मतलब हमारा सूत्र क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज जो है वो 420 रुपए है, मूलधन हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना है, दर हमारी 2% वो जितना अधिक है वही ब्याज अधिक रखा तो दर अधिक ही लेनी, और समय 3 साल है और बटे हो गया 100। तो 3 दूनी 6 और 6 7 हुए 42। इसका मतलब अगर मैं मूलधन की बात करूं, तो 70 की गुणा 100 में करनी पड़ेगी और वो बनेगा 7000 रुपये, वो बनेगा 7000 रुपये। तो इसका जो मूलधन आ जाएगा वो 7000 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें भाई, क्या है, पी क्यू आर प्रत्येक ने 20000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद पी ने 5000 रुपये निकाले, क्यू ने 4000 रुपये निकाले और आर ने 6000 रुपये अतिरिक्त लगा दिए, वर्ष के अंत में कुल लाभ 34950 रुपये का दर्ज किया गया हो तो पी का हिस्सा बताना है। देखो पी क्यू आर की बात है, इसने 20000 रुपये लगाए व्यापार के स्टार्टिंग में, यो पैसा भी 5 महीने के लिए लगा, यो पैसा भी पाँच महीने के लगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ तक कोई समस्या थी नहीं। अगर व्यापार ऐसे ही चलता तो तीनों का बराबर लाभ हो जाता, जो भी लाभ होता उसे 3 से भाग करके 1 का पद लग जाता, लेकिन यहाँ से आगे चेंज हुआ। पी ने 5000 रुपये निकाल लिए, जब 5000 निकाल लिए तो बचे कितने 15000, जब 5000 निकाल लिए तो बचे कितने 15000, और ये जो पैसा लगा 15000 का 7 महीने के लगा क्योंकि 1 साल व्यापार चला। इसने जो निकाले क्यू ने वो 4000 रुपये निकाल लिए, इसका मतलब इसके जो पैसे बचे व्यापार में 16000 रुपये बचे, 16000 रुपये बचे और यो भी 7 महीने के लिए लगे। लेकिन इसने क्या करा, इसने 6000 रुपये और लगा दिए, इसका मतलब इसके हो गए भैया 26000 रुपये, और ये पैसा भी 7 महीने के लगा। अब पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करेंगे, कैसे कि भैया यहाँ भी 1000 है, 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 1000 से मैंने सबको भाग कर दिया तो 20 बचेगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 3 0 मैंने 1000 की वह अलग निकाल दी, 15 × 7 = 105 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 205। कोई समस्या नहीं, इसमें 3 0 इसकी भी साफ हुई तो 20 × 5 = 100 और 3 0 इसकी भी साफ होगी तो 16 × 7 = 112, तो कुल मिलाकर ये आ गया 212, ठीक है। अब इसकी बात करें, 3 0 इसकी भी साफ, इसकी भी साफ, तो 20 × 5 = 100 तो यो आ गया और 26 × 7 लगा लो जी, 7 × 42 का 2 का हासिल को 4, 7 × 2 = 14, 14 × 4 = 18, इसका मतलब ये आगे 282, तो पी क्यू और आर का जो अनुपात आया वो 205, 212 और 282 है। टोटल जो लाभ है वो 34950 रुपये का, लेकिन अनुपात का हिसाब देखें टोटल कितना बनना भाई, 5 और 2 7 और 2 9,
आठ और एक नौ, दो चार और छः, 699 बन रहा है। हमें किसका चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए पी का, पी का हिस्सा चाहिए, मतलब 205 बराबर किसके हैं ये मुझे देखना पड़ेगा, मतलब 205 बराबर जो है वो पी के ही वो मुझे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमें कि 34,950 को मुझे भाग करनी पड़ेगी 699 से, ठीक है जी। तो मैं पांच बार चला के देखूँ, पन्नम 45 का पांच का, पन्नम 45 का पांच का हासिल को चार, पन्नम 45 और चार 49, चार पाँच छंग 30 और चार 34। इसका मतलब ये जो पूरा कट रहा है कितनी बार कट रहा भैया? 50 बार कट रहा। कितनी बार कट रहा भाई? 50 बार कट रहा। 50 की गुणा कर दो, जीरो जो का तू, पाँच पाँच 25 और पाँच दूनी 10, 10,250 रुपये जो हैं वो टोटल 34,950 में से है किसके हिस्से में आए? पी के हिस्से में। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो ये एक क्वेश्चन था जिन्होंने अर्थमेटिक मैथ करा होगा, अंक गणित करा होगा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन्होंने केवल अंकगणित करा, जिन्होंने जो है बिल्कुल अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं, बीजगणित बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे जो इंटर साइंस अगर आए थे उनके लिए यो भी कोई समस्या वाली बात थी नहीं। उसने कहा अनुक्रम 14, 10, 6 और 2 का 14वां पद बताना, मतलब ये एक श्रेणी दे दी इसने 14, 10, 6 और 2 का हमें 14वां पद बताना, 14वां पद बताना। अब या तो रीजनिंग के हिसाब से कर लो इसे, एक तरीका तो यह था 14 ही तो पद की बात है और 4 यहाँ लिखे हुए, 10 लिख लेते हैं ऐसी घटा घटा के, भाई कितने का अंतर आ रहा? -4 होता जा रहा, -4 करके कुछ भी नहीं पता था तब भी वो क्वेश्चन हो गया था हमारा। लेकिन अगर हम बिल्कुल तरीके से करें तो जो पहला पद हुआ है उसे लिखे हम ए, ए बराबर 14, जो सार्वांतर हुआ है उसे लिखे हम डी, वो हो गया -4। वो कैसे पता लगे? पहली संख्या में दूसरी घटा दो, चाहे दूसरी में से तीसरी घटा दो, दो लगातार संख्याओं को घटा के देख लो क्या आ रहा, तो -4 आ रहा, ठीक है। और n का मान 14 है और हमें जो निकालना है t 14 का मान हमें निकालना। तो टी एन बराबर हो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इतनी छोटी सी बात याद थी तो काम बन गया था हमारा, काम बन गया था। कैसे? ए का मान 14 था, एन का मान भी 14 था, -1 और डी का मान था -4। तो 14 यो बना 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो घटा दो, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 4 में से 1 गए 3, तो यो कितना आ गया था भैया? 38 जो है वो इसका सही जवाब था, जो डी ऑप्शन था। जो पूरा तरीका था और बिल्कुल अपना देसी तरीका क्या था? 14, 10, 6 और 2, ठीक है। अब हम क्या करें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। हमें 14वां पद चाहिए तो हम इस तरह से भी निकाल सकें। हमें तो पता नहीं, हम तो पढ़ के नहीं आए हैं, और हमें तो पढ़ना भी नहीं बीजगणित, यूपी पुलिस में ही तो जाना, इससे बाहर तो कहीं जाना नहीं। तो हम क्यों ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा क्यों जो है बिना मतलब एक सूत्र याद करें, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम तो डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे? 14 में से 4 गए 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 4 गए -2, 2 में से 4 गए -2। अब देखो -2 आ गया, अब -2 में से 4 गए -6, अब तुम्हें माइनस चिन्ह लगाते चले जाओ, इसमें 4-4 जोड़ते चले जाओ, इसमें 4-4 जोड़ते चले जाओ। तो 6-4 10, 10-4 14, 14-4 18, 18-4 22, 22-4 26, 26-4 30, 30-4 34, 34-4 38। लो आ गया उत्तर। बताओ इसमें कोई समस्या थी? अगर हम इस तरह से करते जो सूत्र भी याद नहीं हमारे, 14 ही तो पद लिख रहे थे, हाँ 400वां पद काटना होता फिर तो सोचना पड़ता, फिर तो हमें भी नहीं तरीका सही था। लेकिन जब हमें काटना ही 14वां पद है, 14वां पद काटना हो, 20वां पद काटना हो, यहाँ तक तो डायरेक्ट भी कर सको तुम, इसमें कोई समस्या वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, त्रिभुजाकार खेत का आधार जिसकी ऊंचाई से 3 गुना है, आधार जो ऊंचाई से 3 गुना है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333.18 रुपये हो, तो उसका आधार का मान हमें ज्ञात करना।
तो पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लें, पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लें, खेत का क्षेत्रफल। अब देखो उसने जो दिया है, उसने जो दिया है टोटल खर्चा वो 333 रुपये 18 पैसे दिया, 333 रुपये 18 पैसे दिया, लेकिन जो एवरेज था, जो उसका जुताई का खर्चा था वो था 24 रुपये 68 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर। तो हमने क्या करा, इसे 24 रुपये 68 पैसे से भाग करा और 100 वर्ग मीटर रखा था, 100 से गुणा कर दिया, तो टोटल हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल हमारा एरिया आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काट दो जी, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकें, यहाँ पे हम कर सकते हैं भाग। हमें अब और कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ा कितना 2468 का, शायद तुम्हारे भी याद नहीं और शायद मेरे भी याद नहीं। तो इससे जो है बढ़िया तरीका यह है कि भाग ही कर लो तुम। तो पहले एक बार मान ही चलाई, तो 2468 आया, 11 में से 8 गए 3 आया, 12 में से 6 गए 6 आया और 12 में से 4 गए 8 आया, ठीक। अब यहाँ 5 बार मानी चला के देखें, नहीं 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 या 72, 3 बार चलेगा भाई, 3 8 24 का 4 का हासिल को 2, 3 6 18 2 20, 2 3 4 12 2 14 हासिल को 1, 3 2 6 और 1 7, कितना बचा, ये 4 बच गया, ये 3 बच गया, ये 2 बच गया और ये 1 बच गया, ठीक है जी। मानने चलने के पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो और 5 बार मानने पूरी चल रही, 5 8 40, 4 5 6 30, 4 34, 3 5 6 20 और 3 23, 2 5 2 10 और 2 12, तो ये कितनी बार कटा, 13.5 बार यो कट गया, ठीक है, 13.5 बार यो कट गया। और जब मैं इसकी 100 से गुणा करूँगा तो ये 1350 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो खेत है वो त्रिभुजाकार है और त्रिभुज के आकार का जो अगर सवाल आ रहा है तो तुम वहां पे दोस्तों तो लगाओगे 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार। अब उसने कहा आधार जो है लंब का 3 गुना है, आधार जो है वो लंब का 3 गुना है, तो लंब को अगर x मान लूं तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 1350 के हो गया, 3 से काट दिया, 3 6 12, 3 5 15, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 की 450 में गुणा करी 900, तो x की वैल्यू आ गई 30 मीटर। लेकिन x क्या था, लंब था, x क्या था, लंब था, और हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है आधार, हमें क्या निकालना, हमें निकालना आधार, हमें क्या निकालना, हमें निकालना आधार, हमें निकालना आधार, आधार है 3x, आधार है 3x, इसका मतलब जो 30 आया उसकी 3 में गुणा करनी पड़ेगी, जो 30 आया उसकी 3 में गुणा करनी पड़ेगी, 30 हो गया 90 मीटर जो है वो इसका सही जवाब होगा। अब देखो कई बार क्या हुआ, जल्दी में गलती, पूरा सवाल हमने कर लिया, पूरा सवाल हमने कर लिया, 30 मीटर दिखाई दिया, मन में लड्डू फूटा, जैसे ही हमने क्वेश्चन का आंसर देखे, पहले ऑप्शन में 30 मीटर है, पहले ऑप्शन में 30 मीटर है, तीसरे ऑप्शन में 90 मीटर है, तो जब 30 मीटर शुरू में मिल गया तो आदमी सोचता नहीं, फिर आके 3 से गुणा करनी, ओहो ये तो उत्तर ही आ गया, उसे ध्यान नहीं रहता कि वो आधार पूछ रहा था या ऊंचाई पूछ रहा था, वो तुरंत निशान लगा के भागने की कोशिश करे, जल्दी इतनी है और जल्दी में तो हमेशा गलती होनी, जल्दी का काम कहवा है, पहले से ही बड़े बुढ़े कहवा है, जल्दी का काम जो है शैतान का, इंसान का नहीं है। तो तुम हो इंसान, तो इंसान का मतलब यो है कि पूरी बात को पढ़ना और पूरी बात को पढ़कर तभी जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब जो चाल है वंदन की, जो चाल है वंदन की, जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने जो उत्तर पूछा वो मिनट में पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे को मैं मीटर पर सेकंड बदलना तो 5/18 से गुणा करूंगा, लेकिन मैं मीटर प्रति मिनट में ले जाऊंगा, तो 20 किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000 से गुणा करूंगा और घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 60 से, घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 60 से और सेकंड में बदलूंगा तो 1 और 60 लगा दूंगा। ये तो आ गया मीटर, ये तो आ गया मीटर, ठीक है जी, ये तो आ गया मीटर और यो आ गया मिनट, यो आ गया मिनट, यो आ गया मिनट, ठीक है, यो आ गया मिनट, ठीक।
अब यहाँ पे देखो जी, 20 + 60 तो जो इसकी चाल आई वो 1000/3 मीटर प्रति मिनट आई, मीटर प्रति मिनट आई। हमें निकालना समय, समय बराबर हुआ दूरी बटे चाल। हमें निकालना समय, समय बराबर हुआ दूरी बटे चाल, समय बराबर हुआ दूरी बटे चाल, समय बराबर हुआ दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दी भाई इसने, दूरी दी 500 मीटर, तो 500 ऊपर लिखो, चाल है 1000/3 तो 1000 नीचे आऊगा, बटे 3 ऊपर चला जाएगा, 500 × 1000 3/2 का मतलब 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, 1.5 जो है वो मिनट इसका उत्तर है, जो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 110 से अगर 114 तक की बात करें तो निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। तो तुम्हारे सामने लग गया इसका जो ग्राफ है वो हमने लगा दिया, जिसमें जो दिया गया है कि आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात क्या है। 2001 दे रखा, 2002 दे रखा, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। 2001 में जो अनुपात दिया 0.6, 2002 में जो दिया 0.8, 2003 में 0.3, 2004 में 1.2, 2005 में 1.5, 2006 में 0.9 और 2007 में 1.6 है। तो क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात करते हैं, क्या है भाई, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, आयात न्यूनतम था। तो जहां पे वैल्यू सबसे कम है, जहां पे मान सबसे कम है, वही हमारा उत्तर है, वही हमारा उत्तर है। निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम जो था वो 2003 में था, क्योंकि 2003 का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी, वो दे रखी 0.3। 0.3 का अगर मैं देखूं तो यो 0.8 तो 3/10। अब उसने कहा देखो आयात और निर्यात का अनुपात है, यो आयात है यो निर्यात है, मतलब 3 रुपए का आयात हो रहा और 10 रुपए का निर्यात हो रहा। और यही बात तो उसने पूछी थी, किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम है, आयात कम होना चाहिए सबसे और निर्यात जाए कितना ही हो लेकिन आयात औरों की अपेक्षा सबसे कम होना चाहिए, वो यहां पर हो रहा। फिर देखो 111वां क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था ये बताना है, 2005 में आयात कितना था ये बताना। अब देखो 2004 की बात करें, 2004 की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू दी है इसने वो दी 1.2, और 2005 की अगर मैं बात करूं, 2005 की अगर बात करूं, 2005 की अगर बात करूं तो वो दी इसने 1.5। और यहां पे एक बात ध्यान देनी कि पहले जो आओगा वो आयात है और जो बाद में आओगा वो निर्यात। पहले जो है ऊपर वाली वैल्यू जो हमें दिखाओगी वो आयात को दिखाओगी और नीचे वाली वैल्यू जो होगा हमें निर्यात को दिखाओगी। आ जाओ वापिस, अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो हो गया भाई 1.2/10, पॉइंट हट गया इसका, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, इसका मतलब ये आ गया 6/5। अब यो देखो क्या है, यो है आयात, यो क्या है आयात, और यो क्या है, यो है निर्यात, यो क्या है निर्यात, यो क्या है निर्यात, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात समझनी पड़ेगी। उसने कहा 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए है तो 6 बराबर जो है वो 240 के हैं, 6 बराबर जो है वो 240 के हैं, और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल निर्यात जो है वो 500 करोड़ रुपए है, कुल निर्यात 500 करोड़ रुपए है। तो यहां अगर मैं देखूं तो 5 बराबर निर्यात कितना हो गया, निर्यात कितना हो जाएगा वो पता लग जाएगा मुझे, कितना आ जाएगा 6 × 24, तो निर्यात जो आया वो 200 करोड़ रुपए आ गया निर्यात। और ये कब की बात है, 2004 की बात है, 2004 की बात है, ठीक है। अब यहां पे आगे बढ़ो,
उसने कहा था यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ है। अगर यहाँ की बात करूँ मैं, दोनों को मिला दूँ अगर इन्हें, तो यहाँ पे यहाँ देखना पड़ेगा हमें 2005 की अगर बात करें तो 1.5 बटे हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। 2004 में कितना है? 200 है। 2004 में कितना है? 200 है, ठीक है जी। अब हमें आना पड़ेगा किस पे, अब हमें जाना पड़ेगा 500 करोड़ की जो बात करी इसने, निर्यात की बात करी, टोटल निर्यात की बात करी। 2004 में 200 करोड़ है और उसने कहा 2004 व 2005 का कुल निर्यात जो है वो 500 करोड़ रुपए। अब यहां बात समझने वाली, 2004 का कितना? 200 करोड़। 2004 और 5 का कितना होगा? 500 करोड़। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछ लूं 2005 का निर्यात कितना, तो मैं समझू डायरेक्ट बता सको तुम, अब जा मैं समझू डायरेक्ट बता सको, इसमें से घटाना डायरेक्ट आ जाएगा दोनों साल का या एक साल का है, तो दोनों निर्यात ही, जो दोनों साल का या एक साल का, इसमें से घटाया तो कितना आया? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए कब का आ गया? 2005 का। लेकिन मुझे निकालना 2005 का आयात। अब यहां आ जाओ, 2005 का आयात और निर्यात का अनुपात 3:2 है, तो 2 बराबर जो है वो 300 के हैं, 2 बराबर जो है वो 300 के हैं, तो 3 बराबर जो आओगा वो आओगा आयात, वो आओगा आयात, ये 150 बार कटा, तो जो आयात आया वो 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए इसका सही जवाब। भाई डायरेक्ट लगाओ मैं ऐसे हिसाब, तो 500 में से 240 जाके वैसे 260 आना चाहिए था, अगर किसी कारण से 260 आता इस समय, तो फिर नो समझो 80% वाला 260 पे निशान लगाया थे, फिर नहीं सोचे थे बिल्कुल भी 450 भी आ सके, सीधा लगेगा 5, इतना आसानी तो आवे उसमें, नो कह इतना ही तो आसान आवे, जो मिल गया वो आसान वाला ही क्वेश्चन तो मिला है। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? निर्यात आयात से अधिक वहां होगा जहां पे वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से वैल्यू 2001 में कम है, 2002 में कम है, 2003 में कम है और 2004 में कम है, जब मैं वो 2006 में सॉरी, तो 2001, 2, 3 और 6 ये 4 वर्ष हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 4 आ जाएगा, इसमें केवल इतना सा काम करना था। अब आया 113वां क्वेश्चन, देखो क्या है, उसने कहा यदि 2002 में कंपनी का आया 260 करोड़ था तो 2002 में निर्यात कितना था? ठीक है, 2002 की बात कर रहा और यहाँ पर दिया इसने 0.8, पॉइंट हटाओ बटे में 10 लगाओ, तो ये आ गया 2 चौक 8, 2 5 10, इसका मतलब 4/5, यो क्या है ऊपर आ रहा आयात और नीचे क्या आ रहा भैया? निर्यात, तो हम क्या करेंगे? उसने कहा जो आयात है वो 260 करोड़ है, इसका मतलब 4/260 करोड़ है और हमें निकालना निर्यात, तो 5 बराबर निर्यात के, तो हमने करा भी 4 6 24, 2 बचे 4 5 20, गुणा कर दो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो निर्यात कितना आ जाएगा? 65 की 5 में गुणा करो, 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है जी, 325 करोड़ रुपए जो है, जो डी ऑप्शन में वो सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114 क्या है भाई, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो यहां पे 2003 और 2004 से आयात में वो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा, लेकिन वृद्धि प्रतिशत तभी निकाल सके जब हमारे पास वैल्यू हो, अब वैल्यू दे नहीं रखा, अनुपात दे रखा, तो बिल्कुल हम सही नहीं बता सकते, तो इसमें एक बी ऑप्शन दिया, डाटा अपर्याप्त है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वही सही बनेगा, बी ऑप्शन वाला डाटा। इस तरह से ये पेपर हमने किया समाप्त।
आप इस पेपर को एक नहीं कम से कम दो बार जरूर करें, क्योंकि री एग्जाम की तैयारी में आप हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको जरूर लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ये बात बिल्कुल शेयर करें, ये क्लास बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि जब आप दूसरों का भला चाहेंगे तभी आपका भी भला होने वाला है, तभी आपका भी अच्छा होने वाला है, तभी आपका भी नंबर आने वाला है।